नमस्कार दोस्तों, बात चाहे ग्रह कलेश की हो या फिर पैसों की तंगी की हो, या फिर घर में अगर कोई बीमार हो, घर में अशांति हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो उसका समाधान आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सिर्फ नमक के कुछ ऐसे टोटके हैं जिनकी मदद से आप अपने ग्रह की, अपने घर की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में नमक के कुछ ऐसे टोटके शेयर करूंगी जिनको अगर आप कर लेते हैं अपने घर में तो आपके घर में पैसों की तंगी, ग्रह कलेश, पति पत्नी की आपसी अनबन, घर के परिवार के सदस्यों की आपसी मनमुटाव, हर तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए पहले आपके साथ में नमक के टोटके शेयर करूँ। अगर आपके घर में आपकी और आपके पति की या फिर पति पत्नी की आपस में अनबन रहती है, आपस में दोनों के मनमुटाव हो रहा है, तो आपका जो शयन कक्ष है, मतलब जो बेडरूम है, वहां पर किसी भी कोने में एक कटोरी में, कांच की कटोरी में खड़ा नमक, मतलब जो खड़ा नमक आता है, खड़े नमक के डल्ले आते हैं वो, या फिर सेंधा नमक कटोरी में भर के कोने में रख दीजिए। ठीक है, किसी भी कोने में रख दीजिए, चाहे तो ऐसे कोने में जहां से दिखाई ना दे। एक महीने बाद उस नमक को फिर से बदल दे, आप खुद अंतर देखेंगे। 10 दिन के अंदर आपके आपसी मनमुटाव जो है वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा टोटका है, अगर आप अपने घर में पैसों का प्रवाह चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा की इनकम बहुत अच्छी हो, घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और घर से पैसे की जो जावक है वो कम हो जाए, मतलब पैसों की बरकत हो, तो उसके लिए आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेना है और उसमें आपको डाल देना है खड़ा नमक। ठीक है, पानी में खड़ा नमक डाल दीजिए अच्छी ज्यादा मात्रा में और घर में जो नैऋत्य कोण होता है वहां पर इस ग्लास को रख दीजिए। अब ये जो ग्लास है जिसमें हमने नमक घोला है, इसको रखना है आपको लाल कपड़े के ऊपर। लाल कपड़े पर इस ग्लास को रखिए और हो सके तो इस ग्लास के पीछे लाल बल्ब जला दें ताकि उससे होके जो उजाला निकले वो उजाला आपके घर के हिस्सों में पहुंचे। इससे, ऐसा करने से ये जो पानी में घुला हुआ नमक है, ये आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे अपनी ओर खींच लेगा, घर में पैसों की आमदनी को बढ़ाएगा और जावक को कम कर देगा, पैसों की बरकत भी करेगा। अब तीसरा टोटका है, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसका जो सोने की जगह जहाँ पर वो सोता है उसके सिरहाने खड़े नमक की कुछ डलियाँ रख दीजिए। ठीक है, जो खड़ा नमक होता है या फिर सेंधा नमक अगर आपके पास है तो किसी पुड़िया में बांध के उसके सिरहाने, मतलब तकिए के नीचे या फिर जिस जगह पे वो सोता है उसके सिर के यहाँ पर रख दीजिए। एक महीने बाद उसे बदल दीजिए, धीरे धीरे उसको उसके रोग से, उसको जो भी बीमारी है उससे मुक्ति मिलने लगेगी, उसका जो बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब बात आती है चौथे टोटके, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपको लगता है कि आपका जो घर है उसमें कहीं ना कहीं कोई वास्तु फेल है, तो आपको क्या करना है, आपके घर का जो टॉयलेट है जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, या फिर हो सके तो घर में जितने भी टॉयलेट है वहां पर एक कांच की कटोरी में खड़े नमक की कुछ डलियां रख दीजिए और उस नमक को हर महीने बदलते रहिए। नमक से घर में होने वाले जितने भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो खींच जाती है और पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है। घर में जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी अगर होती है वो टॉयलेट के थ्रू बाहर आती है, और ये भी देखा जाए, अगर साइंटिफिक इसका रीज़न देखा जाए तो टॉयलेट से जो कीटाणु वगैरह रहते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है ये नमक, टॉयलेट की बदबू को भी ख़त्म कर देता है ये नमक। अब पांचवा टोटका है, आपका जो किचन है, किचन में अगर आप चाहते हैं, हमारा जो घर की जिसे कहते हैं भंडार, मतलब घर में हमारा जो किचन होता है वही बरकत का जगह होती है, वही भंडार होता है, तो किचन में आपको एक कटोरी में खड़ा नमक लेना है या फिर सेंधा नमक लेना है, उसमें 4 से 5 लौंग डाल दीजिए और उसे रख दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से आपके घर में भंडार भरा रहेगा, घर में जितनी बरकत होगी, अन्न की बचत होगी, और इससे अगर अन्न की बचत होगी तो अन्नपूर्णा देवी आप पे मेहरबान होगी, जिससे पैसों की काफी ज्यादा बचत होगी। तो ये मैंने आपको बताया 5 ऐसे टोटके नमक के जो आपको करना है, जिसकी वजह से आपके घर में पैसा आएगा अपार, घर में अगर कोई दुख है तो वो होगा दूर, अगर कोई बीमारी है तो वो भी होगी दूर, अगर कलेश चल रहा है वो भी होगा खत्म, घर में वास्तु दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं तो हो सके तो हर कमरे में एक कांच की कटोरी में नमक की, खड़ा नमक जो होता है उसे रख दीजिए।
वो फायदा करेगा। तो ये नमक के ये जो मैंने आपको टोटके बताए जो आपको करना है उन्हें आप जरूर करके देखें, फिर अपना जो फायदे होते हैं आपको उससे जो आराम मिलता है जो हेल्प मिलती है वो मेरे साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद में प्लीज़ बेल आइकॉन भी प्रेस करना, कोई बड़ा काम नहीं है, जरा सी देर में सब्सक्राइब भी हो जाता है और बेल आइकॉन भी दब जाता है। इससे क्या होगा, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएंगे, हो सकता है कई हेल्पफुल वीडियो आप लोगों से मिस होने से बच जाएँ, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी अगर हेल्पफुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। क्या आप भी एक बेहतर वेबसाइट एंड लोगो डिजाइनर ढूंढ रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ई मीडिया वेब एंड ऐप, हम बनाते हैं आपकी ब्रांड के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन, क्रिएटिव लोगो और स्टैंडर्ड डिजाइन वेबसाइट, न्यूनतम शुल्क और बेहतर सर्विस। तो किस बात का है इंतजार, आज ही संपर्क करें इन नंबर्स पर। कॉल करें 8109632936 पर या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7999906109 पर।